ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाली है खास जो लोग मेरे सॉफ्टवेयर लेके जो 50 रुपए प्राइस है यूटीआई पे काम नहीं करता है, या फिर उन लोगों जो मुझसे पेड इंस्टॉलेशन करवा, जो लोग पेड इंस्टॉलेशन करते हैं उनको मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, कहाँ से आपको ये वीडियो देखना मैं बता दूंगा। स्पेशली जो लोग 50 रुपए सॉफ्टवेयर लेकर CSC, आयुष्मान भारत या फिर आपका ICICI हो गया, UTI इस पर वर्क नहीं करता, उनके लिए स्पेशली वीडियो देखना। मैं उसके कंप्लीट A to Z में बताऊँ, वीडियो लंबा वाली बने रहना, वीडियो में A to Z पार्ट पार्ट हर चीज आपको समझाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो अच्छा लाइक इसे शेयर अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो पहली बार और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, आपके पीसी में बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, मॉर्फो डिवाइस जब आप कनेक्ट करते हो पीसी के साथ, जैसे मैं अभी इसे कनेक्ट करता हूं तो पीसी साउंड करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, USB खराब है, बहुत सारी इशू रहती है तो साउंड नहीं करता, और लाइट जलता तो लाइट जलना प्लस मैच पड़ेगा तो लाइट जलेगा, जरे आप मोबाइल के USB में घुसाओगे ना मॉर्फो का डिवाइस को तो वो भी लाइट ब्लिंक करेगा। जैसे हमने कनेक्ट किया अभी तो हमारा मॉर्फो यहाँ पे शो कर गया। अब देखो क्या करना होता है, बहुत सारे लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सबसे पहले आपको जाना अपने पीसी में जहाँ पे जो भी विंडोज 7, 8, 10 यूज कर रहे हो, यहाँ पे मॉर्फो ढूंढ कर उसको कम्प्लीटली डिलीट कर देना है। जैसे कि हमारे यहाँ मॉर्फो का दो सॉफ्टवेयर में दोनों को डिलीट करता हूँ, मैं स्पेशली जीरो लेवल से बता रहा हूँ, जो लोग 50 रुपीज़ का सॉफ्टवेयर लिए हैं उनके लिए स्पेशली ये खास है, और जो लोग मुझसे पेड इंस्टॉलेशन करवाते हैं वो भी ध्यान देना, अगर आपने कभी कुछ अनइंस्टॉल कर दिया इंस्टॉल कर दिया तो सेम प्रोसेस आपको भी करना है। ये दोनों को जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है अनइंस्टॉल कर, अगर आपको थर्ड पार्टी जैसे मंत्रा हो गया स्टार्टेक वगैरह का इंस्टॉलेशन कर रखे हैं उसका ड्राइवर, तो उसे भी उड़ा दीजिए क्योंकि मॉर्फो को यूज़ करने में वो दिक्कत देता है। तो हम यहाँ पार्टिकुलर यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेते हैं इसे। अब ध्यान दीजिएगा, हमने मॉर्फो के जो ड्राइवर इंस्टॉल थे पीसी में उसे अनइंस्टॉल कर दिया। अब यह कट करना है, आपको जाना अपने सी ड्राइव में, यहाँ सी ड्राइव से होकर आप देख लेना, विंडो 7 है तो वहाँ पे हिडन फोल्डर ऑन कर दिया था, वैसे अगर विंडो 10 है तो 8 है 10 है तो व्यू में जाना और हिडन फोल्डर को चेक लगा देना। जैसे चेक लगा हुआ यहाँ पे आपके मॉर्फो के जितने फोल्डर मिलेंगे, यहाँ 3 फोल्डर मिलते हैं, कभी कभी दो मिले आपको, लेकिन एमएसओ के ये हिडन होता है, जब ऑन करोगे तो ये शो कर जाएगा। आपको इन तीनों को सेलेक्ट करना है और इसे डिलीट हमेशा के लिए कर देना और इसे कंटिन्यू करना। पहला दूसरा स्टेप आपका ये है, पहला अनइंस्टॉल ड्राइवर करना है अगर आपको कोई भी रड़ रहा है सिंपल सा। दूसरा स्टेप में ये करना आपको यहाँ से करना, अब क्या करना आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में या फिर कंट्रोल आर दबा के कमांड पोर्ट में जाके आपको टेम्प लिखना है, परसेंटेज TEMP फिर परसेंटेज, फिर आपको इंटर मारना है। यहाँ पे आपको जितने भी फोल्डर्स है सब डिलीट नहीं होता, लेकिन सेलेक्ट ऑल करके आपको यहाँ से डिलीट कर लेना है। तो हमारा कुछ फोल्डर डिलीट नहीं होगा तो उसे हम स्किप कर देंगे, लेकिन पहले यहाँ पे अब नहीं हो रहा है उसे स्किप कर देंगे। ये हमारा तीसरा स्टेप था, तीन स्टेप कंटिन्यू हो गया। अब चौथा स्टेप जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली वो है टाइम सेटिंग। डेट एंड टाइम बहुत सारे लोग पीसी में ख़राब होता है, क्या करना आपको विंडोज 7 आप यूज़ करें उसके लिए भी 8, 10 सबके लिए ये ऑप्शन है, राइट क्लिक करना है, एडजस्ट डेट एंड टाइम में जाना है। यहाँ पे आप देखना अपने पीसी के हिसाब से आप देख रहे हैं, डेट एंड टाइम रिलीजन फॉर्मेटिंग में जाना है, यहाँ पे आपको एडिशनल डेट एंड टाइम रिलीजन में जाना है। जैसे यहाँ पे जाओगे यहाँ पे आ जाएगा सेट डेट एंड टाइम का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पहला चेक करना आपको चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कनाडा वगैरह सेट रहता है तो मॉर्फो जो सर्वर में भेजता है वापस आता है, दोनों में टाइम डिफरेंस होता है तो वहाँ पर आपको दिखा देगा डायरेक्ट डिवाइस नॉट रेडी वगैरह करके एरर मारेगा। अगर आपको यहाँ पर सब कुछ सही है, एक बार इंटरनेट टाइम जो क्लिक करना ऊपर यहाँ पर और चेंज सेटिंग में टैप करते के साथ अपडेट नाउ या windtimes.windows.com पे क्लिक करके यहाँ टिक लगा हुआ होना चाहिए और इसे अपडेट करना। हमारा सक्सेसफुल अपडेट हो गया है, जो नेट पे टाइम है वो हमारा सेट हो चुका है, ये हमारा अंतिम प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, देखो जो लोग मुझसे परचेस किए सॉफ्टवेयर खरीदे हैं उनके लिए एंड जो लोग को मुझसे इंस्टॉलेशन करवाते हैं वो भी ख्याल रखें, वो वीडियो पूरा प्रोसेस देखें, ये मैं जीरो लेवल बता रहा हूँ कि आपको पूरा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने, स्पेशली ये वीडियोज़ जो है उनको हेल्प करेंगे जो UTI पे काम करना चाहते हैं, आयुष्मान भारत पे जैसे ICICI पे करना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल है। जो लोग फ्यूनो वगैरह यूज़ करते हैं तो उनका थोड़ा अलग से इंस्टॉलेशन होता है, मैं उसको लास्ट में उसकी बात बताऊँगा, स्पेस मनी फ्यूनो वगैरह का। अब देखिए हमें चलना है अपने ड्राइवर के पास, तो मैं अपना मॉर्फो का टोटल ड्राइवर A to Z मैंने बना रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 रुपीज़ ICICI भारत का यहाँ पे है। स्टार्ट करेंगे आप पासवर्ड मांगेगा, ये वाली प्राइस मैं बता दूँ आपको, स्पेशल UTI की यहाँ सॉफ्टवेयर है जिसकी प्राइस 50 रुपीज़। इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ इसका प्राइस मात्र 50 रुपीज़ रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर लेना, वहाँ पे मेरा UPI ID मिल जाएगा, पेमेंट के स्क्रीनशॉट शेयर करोगे मेरे व्हाट्सएप पे आपको उसका पासवर्ड मिल जाएगा, प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसे चले गए और यहाँ पे देखो TW करके यही फोल्डर के अंदर इतना सारा चीज़ मिलेगा, ये आपका टेस्ट पेज, ये आपका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर जो सही अच्छा से काम करता है पीसी में वो वाला है 2.0.1.34, ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन चेक करवा दे दूंगा ये सॉफ्टवेयर।
लेकिन हाँ ये दो इम्पोर्टेंट है, ये इसके लिए प्राइस फिक्स है, प्राइस प्लस सॉफ्टवेयर सब कुछ इंक्लूड के साथ 50 रुपीज़ है, जो लोग खुद से करना चाहते हैं, इस वीडियो को देख करना चाहते हैं उनके लिए है। अब देखो क्या कर, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है com.rdz, इसे राइट क्लिक करना है, रन एज मेथड करके क्लिक कर, जब भी ये प्रोसेस कर रहे हो अपने मोरपो डिवाइस को अनप्लग करके रखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और यहाँ पर रन एज मेथड करके ही आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर डायरेक्ट रन होगा आपका, कमांड पोर्ट खुलेगा, सब कुछ परमिशन वगैरह लिया जाएगा, यस नो करते, और ये पूरा का पूरा लगभग 1 से 2 से 3 मिनट लेगा आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल होने में, तो इंस्टॉल होता है हम वेट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा सॉफ्टवेयर जो वो कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पे रिस्टार्ट करने को मांगा जा रहा था, आप अपने पीसी से रिस्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादातर के ये नो आई विल रिस्टार्ट लेटर करके फिनिश करना। अब क्या करना, आपके जो मॉर्फो डिवाइस है उसको अपने पीसी के साथ कनेक्ट करना। ध्यान रखें बहुत सारे लोग गलती करते हैं USB 3.0 USB 2.0, कभी कभी सब कुछ सही होने पे भी नहीं आता, USB 3.0 जो होता है लोग उसमें मॉर्फो डिवाइस कनेक्ट करते हैं, हमारा 2.0 है, 2.0 में लगाना है। अब यहाँ पे एक पॉपअप आ गया, ख्याल रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिवाइस हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अगर यहाँ पे कुछ भी इशू आ रहा है सब कुछ चेक करो, जितना मैं 4 स्टेप बताया, 4 से 5 स्टेप उसे कंप्लीट आप किया या नहीं किया, अगर नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ इशू आएगा। ख्याल रखो यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने एक पेज आपको खोल के दिखाऊँ, तो हमने यहाँ पे एक होस्ट बना रखा है, होस्ट के लिए यहाँ पे एक डायरेक्ट होस्ट जाने का यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कमांड है, कंट्रोल सी में से करता हूँ, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे खोला मेरे ये वाले, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन है आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे, जिसके लिए आपको ये पूरा कमांड मिल जाएगा, cd:\windows_system32 और इंटर मारेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं इस होस्ट में एडिटिंग कर देते हैं, ये होस्ट में नोटपैड पर ओपन करके आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग इस होस्ट में एडिटिंग कर देते हैं और होस्ट को गड़बड़ कर देते हैं। होस्ट हमारा नेट से मिलकर और नेट की तरह काम करता है, पोर्टल पर काम करने से ही, होस्ट में आप मिसिंग कर दोगे तो वो काम नहीं करेगा, तो मैं डिफ़ॉल्ट होस्ट भी दे दूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ से जितने भी होस्ट है उसको डिलीट कर देना, एंड मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा दूँ, यहाँ जब मैंने रखा है डिफ़ॉल्ट होस्ट है, ये होस्ट को कॉपी करके या फिर किसी के पीसी में यही चीज़ सर्च करके जिसे पीसी में सही काम करा उसके होस्ट कॉपी करके अपने पीसी में डाल लेना, अगर ये सब करने के बाद भी इशू आया तो आपने होस्ट में छेड़छाड़ किया है तो डिफ़ॉल्ट होस्ट ये 5.2.2.4.1.5 टोटल फाइल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी रखना। तो यहाँ हमने सब कुछ कंप्लीट किया, हमारा डिवाइस रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया, तो हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे सही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले चीज़ आप टेस्ट पेज करके देख सकते हो, तो हम टेस्ट पेज सीधा ले चलते हैं और मॉर्फो के ये हमारा डिवाइस है। एक चीज़ जैसे क्रोम खोलेंगे, सबसे पहले चीज़ आप क्रोम को चेक करना, आपका सबसे लेटेस्ट वर्जन से क्रोम अपडेट होना चाहिए। यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल एच मारना है आपको, हिस्ट्री को यहाँ पे इसको टैग करना और एफ टिपना है, यहाँ फ्लैक्स का ऑप्शन आ जाएगा, आप जैसे ही फ्लैक्स निकाल सकते हो वैसे इसे निकाल सकते हो। इंटर मारना है और यहाँ पे इनवैलिड अलाउ लोकल होस्ट इसे इनेबल रखना है, यहाँ पे आपको CERT लिख सकते हो, ये ऑप्शन पहला में आ जाएगा, इसे इनेबल, जिनको मैं पेड इंस्टॉलेशन करके देता हूँ उनको ये सारा चीज़ मैं करके देता हूँ, तो वो लोग वीडियो जो बने हुए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मैं आपको बता दूंगा वीडियो कब से आपकी स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पे आपको RDSW टैप करना, जैसे टैप करो आपका डिवाइस अगर सब कुछ कनेक्ट सब कुछ सही है, तो अगर कुछ मिसिंग कुछ इशू या कोई दिक्कत होगी तो वहाँ रेडी नहीं है, नॉट रेडी दिखा, कैप्चर टैप करोगे आपका लाइट जो है मॉर्फो की वो ब्लिंक हो जाएगा और जैसे फिंगर रखोगे वो साउंड भी करेगा इस प्रकार से, और यहाँ पे एक इरर करके कुछ भी सो पेज कर जाएगा आपका। ये यहाँ तक हमारा नॉर्मल यूज़ के लिए, जो हम कहते हैं नॉर्मल यूज, जैसे कि कोई लोग आधार अभी से नॉर्मल यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग आधार थंब से निकालते हैं उनके लिए हो गया, हम बहुत सारे लोग पेन ईयर बाई इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, एयरटेल के लिए वो डायरेक्ट यूज नॉर्मल यूज पर काम करता है, जैसे मैंने नॉर्मल लिख दिखा और स्पेशल देख रखा है, CSUTI पेन ICSA वायर स्पेशल पर काम करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि काम करता है। अब आप जिस लोगों को मैंने पर्सनली इंस्टॉलेशन कर रखा उनके लिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है। अब देखो भाई लोग वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने 2 फोल्डर दिए, इसके अंदर एक ही फाइल मिलेगा और इसके अंदर आपको 3 फाइल मिलेगा, इसमें से आपको क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ से कॉपी करना है, ख्याल रखें कॉपी करना है आपके जहाँ मैनुअली डेस्कटॉप पे या जो भी ड्राइव आप रखे हैं उस पर सेव कर रखे, या तो कॉपी करना है आपको, जाना अपने पीसी में, जाना है सी ड्राइव में और यहाँ पे मॉर्फो सॉफ्ट RT लॉक करके इसके अंदर जाना है, 2 मिलेगा मॉर्फो जो लंबा ऐसा लिखेगा उसके अंदर, और यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। अब देखो पेस्ट किया क्यों किया, क्योंकि यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करना फाइल तो बहुत आसान रहेगा। अब देखो यहाँ पे जिस लोगों को स्पेशल यूज़ करना, UTI पे यूज़ करना, आयुष्मान भारत पे यूज़ करना, ICICI यूज़ करना, उन्होंने क्या करना, यहाँ पे क्लिक करना और ये 2 फाइल को यहाँ से कंट्रोल एक्स मार के या कट कर लेना है नॉर्मली। इसे मैं इसलिए कट करने का रहा क्योंकि इंसान को जो बार बार नहीं पड़े एक बार, आप चाहो तो इसको बिना कट के बताऊँगा क्या कर सकते हैं, यहाँ रिप्लेस करेंगे और ये फर्स्ट प्रायोरिटी में बता रहा हूँ, और यहाँ पे सर्विस CERT को इंस्टॉल सर्टिफिकेट करते हुए नेक्स्ट 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 करते हुए इसे हम ओके कर लेंगे, हमारा ये सेटअप यहाँ पे हो गया। आप चाहो तो सिर्फ एक ये फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बाकी वो 2 को डिलीट भी कर सकते हो, और अगर उस पर काम कर रहा है तो सब कुछ अच्छा, अगर नहीं कर रहा तो ये 2 फाइल को कॉपी करके चेक करो। अब देखो हमें याद यूज़ करना है इसे UTI पे, CSC पे, ICICI पे, जिन लोगों को यूज़ करना है, जिन लोगों को आयुष्मान भारत पे यूज़ करना है, स्पेशल वाला फाइल के अंदर से
हम यहाँ पे जो फाइल है कॉपी करेंगे, फोल्डर से बैक आएंगे एक स्टेप, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर कॉपी एंड रिप्लेस करेंगे। आपके जो भी विंडोज़ है विंडोज़ आर टिपिंग आप यहाँ पे लिखना है servicesdotmsc, इतना लिखा है SERB आप लिखोगे तो ये सर्विस बन के ऐप बन के आपको सामने शो कर जाए। इसे ओपन करना है आपको, हर बार कॉपी पेस्ट करना होगा जब जब आप स्पेशल या फिर नॉर्मल, मैंने बता दिया स्पेशल में क्या क्या यूज़ आता है, नॉर्मल में क्या क्या यूज़ आता है, और यहाँ पे MO टाइप करेंगे या फिर मोरफो आरटी सर्विस ढूंढेंगे और इसे हम यहाँ से रिस्टार्ट कर देंगे। रिस्टार्ट करने में क्या होता है, मोरफो को ऑफ करके हम ऑन करते हैं तो मोरफो को लगता है अब उसके स्पेशल यूज़ के लिए तैयार हो गया है। जब स्पेशल आप करोगे तो यहाँ पे ना आपका रेडी नॉट रेडी ये कुछ भी नहीं शो करेगा क्योंकि ये स्पेशल पे, अब स्पेशल पे आप आयुष्मान भारत के लिए सक्सेसफुली काम करने को तैयार हो गया। हमारा डिवाइस UTI पेन पोर्टल पे काम करने सक्सेसफुली तैयार हो गया डिवाइस। हमारा डिवाइस जो है अभी हम आपका बहुत सारे लोग ये PMG दिशा उसके काम करने को तैयार हो गया। हमारा डिवाइस ICICI जो बैंकिंग आउटलेट का काम मिला था उन पे काम करने को तैयार हो गया हमारा डिवाइस। अभी ये DZP पे वर्क नहीं करेगा, DZP ओपन करोगे ये खुलेगा नहीं, नॉट रजिस्टर्ड डिवाइस है, पे नियर बाय काम नहीं करेगा, जो लोग यूज़ करें जो एयरटेल यूज़ करना रहेगा। अब उनके लिए करना है नॉर्मल को खोलना है, इसके अंदर एक फाइल मिलेगा, कॉपी करना है इसे आराम से, एक स्टेप बैक आना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट करके इसे रिप्लेस करना है, फिर इसको आप यहाँ पे ना पिन कर लो अगर बार बार यूज़ करना है तो, आपको दोनों पे अगर किसी एक पे करना है तो सेट करके छोड़ दो। अब फिर मोर पार्टी सर्विस यहाँ पे इसको रिस्टार्ट कर लेना है, जैसे हम रिस्टार्ट कर लेंगे हमारा ये नॉर्मल के लिए सेट हो गया है। नॉर्मल के लिए बताया क्या क्या, अब देखो यहाँ पे कुछ लोग क्या होता है फिनो का यूज़ करते हैं, तो मेरे फिनो का ऑलरेडी जिन लोगों का फिनो कर रखा है फिनो का फोल्डर मैं दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर के जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑल इन वन है TWA स्पाइस मनी के यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन स्पाइस मनी के है यहाँ पे, फिर मैं फिनो का भी मैंने कर रखा है, यहाँ फिनो है इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल फिनो के है, तो हर का अलग अलग होता है, फिनो प्लस नॉर्मल स्पाइस मनी प्लस नॉर्मल, तो इस प्रकार से अलग अलग सबका होता है। लेकिन जो लोग स्पेशल ये दो यूज़ करते हैं मैं जो बताया दिया उनके लिए यही बेस्ट है। अब रिस्टार्ट आप चेक करोगे ना अगर यहाँ से आकर टेस्ट पे, तो यहाँ पे भी नॉर्मल पर है, तो नॉर्मल पे यहाँ भी आपको शो सब कुछ सही से देखो रेडी पे हमारा शो कर गया डिवाइस सब कुछ शो करने लगा है। तो ये चार पांच स्टेप जो लोग गलती करते हैं डेट एंड टाइम मिसिंग करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर को पुराने सॉफ्टवेयर पे कॉपी करते हैं तो वहाँ पे रिप्लेस करने में दिक्कत आता है, तो इस तरीकों से ईजिली मोरफो डिवाइस को अपने PC पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इंस्टॉलेशन किस प्रकार की, मैंने 50 rupees प्राइस बता दिया जो UTI वाले लोगों को दिक्कत आता है, मैंने स्पेशल UTI पे क्यों ये दिक्कत आता है, अगर दिक्कत आ गया तो इसका रिजोल्यूशन क्या, दो वीडियो स्पेशल बनाया है दोनों में, वो पेड वीडियो लेकिन मैं आपके लिए स्पेशली इस वीडियो इंडस्क्रीन को दे दूंगा, आप उसे देख लो। अगर पेन कार्ड काम करते हो तो आपको मैंने दावे के साथ बोलता हूँ आपके साथ कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगी, आप जो भी सर्विस प्रदान करेंगे UTI पोर्टल पर आपका सक्सेसफुली काम करेगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए 50 rupees प्राइस के जो UTI स्पेशल सॉफ्टवेयर है, इनके पासवर्ड प्रोटेक्ट है ये, इनके लिए 50 rupees पे करके नीचे मेरा UPI ID मिलेगा, पे कर दोगे मुझे ये सॉफ्टवेयर दे देंगे। आप ये वीडियो देख लो कम्प्लीटली जो मैंने स्टेप बताया वो सारे सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करके फिर नया इंस्टॉल करो, जो जो स्टेप बताया चार पाँच स्टेप उसे फॉलो करो, आपका नॉर्मल काम करना चालू हो जाएगा। अगर जो भाई लोग मुझसे इंस्टॉल करवाते हैं उनको दिक्कत है नॉर्मल स्पेशल नॉर्मल स्पेशल, ये वीडियो को वहाँ से देखना जहाँ से मैंने बताया है यहाँ से, या फिर शुरू से देखोगे तो समझ जाओगे। और सॉफ्टवेयर मैं सबको फ्री में देता हूँ, एक बार देने के बाद आपको दूसरे लैपटॉप और दूसरे PC है तो आप अपने तो खुद से भी ट्राई कर लोगे, सही सही काम करेगा, आपको कोई भी इशू नहीं आया कि डिवाइस रजिस्ट्रेशन फेल वगैरह वगैरह जैसे कि इशू आता है, बाकी अपने PC को रिस्टार्ट करके ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे इशू PC जो सपोर्ट नहीं करते, स्पेशली ये जो सॉफ्टवेयर काम करती है अच्छी, मैं बताऊँ PC के वर्जन के लिए विंडोज़ जो भी रहे 64 bit पे बहुत अच्छा वर्क करता है, 32 bit पे उतना अच्छा वर्क नहीं करता है, और रैम 4 GB के ऊपर हो तो काफ़ी अच्छा रहता है यूज़ करने के लिए। PC से 2 GB रैम आजकल मोबाइल हैंग कर जाता है तो PC की बात कुछ और ही है। तो फिलहाल वीडियो में टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया लेकिन मैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी दिनों से कोशिश में था कि मैं लाऊं ऐसी वीडियो जो आपको प्रॉपर A to O लेवल से सिखा पाऊं कि कैसे काम करता है मोरफो डिवाइस और किस प्रकार से उनको कॉपी पेस्ट किया जाता है। बहुत सारे लोगों को मेरा इससे पहले एक दो वीडियो बनाया था लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी, लोग को इशू आ रही थी, तो ये वीडियो प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ पूरी लंबा है वीडियो बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो प्रति कुछ जो राय आपकी फॉरम परेशानी स्टिल बनी हुई है तो मुझे कमेंट करके बताइए जरूर से ये वीडियो कैसा लगा, उसकी राय नीचे जरूर दें। चैनल नए हो पहली बार आए हो ऐसे नॉलेजबल एंटरटेनमेंट गेमिंग एंड ऑफर रिलेटेड वीडियो बने थे मुझे फैक्ट्री बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे कर ले। तो मिलते हैं आपके साथ एक और फ्रेश वीडियो साथ, तब तक के टेक्निकल और सिम साइनिंग आउट, देखो मगर प्यार से।